हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सी यू टी बाय 24/7। मैं हूँ ऐशी मैम, और एक और यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी बंद होने वाली है, और ये हमारी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, राइट? तो हिंदी में विश्वविद्यालय बोलेंगे, इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलेंगे, एक ही बात है। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, क्योंकि एक और ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोग के पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बाद हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ को प्लेस करेंगे, तो अगेन ये यूनिवर्सिटी उसमें से एक आती है। हालाँकि ये एक रीजनल यूनिवर्सिटी वंस अगेन है, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, राइट? तो मैं बताना चाहूंगी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि आपका लोकेटेड है कहां पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये आपकी, तो सेंट्रल है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, राइट? तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं या फिर उस रीजन में रहते हैं या उस स्टेट में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहां पे एक ऑप्शन आएगा। मैम गुड आफ्टरनून, ठीक है, बी ऑनर्स, यस, मैं आपको कोर्सेज भी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, बट येस। तो यहाँ पे जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ एरिया या सेंट्रल इंडिया की तरफ रहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत सॉलिड ऑप्शन रहेगा यहाँ पे एडमिशन लेने का। शुरुआत करूंगी मैं यहाँ पे कि डेट्स की क्या क्या बात है। 17 सितंबर को इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, और 30 सितंबर यानी कि केवल 2 दिन और बाकी हैं, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बच्चों बंद हो जाएंगे। तो आप लोग इसको 30 सितंबर से पहले जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड आपका काउंसलिंग का 8 से 15 अक्टूबर के बीच में चल रहा होगा, और उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 18 अक्टूबर को आएगी, और मतलब इवेंचुअली आपका जो प्रोसेस है वो 25 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, राइट? तो माना कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आप लोग ड्यू व्यू तो कर ही रहे हैं ट्राई, लेकिन इवेंचुअली बैकअप में मैं बोलूंगी जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे उस रीजन के आसपास रहते हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल इनरोल करना चाहिए। गुड आफ्टरनून, कोई और ऑप्शन है तो, कोई और डाउट है तो आप लोग साथ में पूछ भी सकते हैं, राइट? सो मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं जो यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब, और यही बात है कि स्कोर यहाँ पे भी लिया जाएगा। तो बच्चों सारी यूनिवर्सिटी में आपके नॉर्मलाइज स्कोर ही लिए जा रहे हैं, परसेंटाइल के बेसिस पर एडमिशन आप लोगों का नहीं हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले देखो, अगर किसी बच्चे को, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि यहाँ पे केवल एक एक सब्जेक्ट, जिसमें मैंने आपको सुबह वाली यूनिवर्सिटी बोली थी, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के ऊपर एडमिशन हो रहा है, राइट? यहाँ पे कहीं कहीं पे केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस पे भी एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट जो इन्होंने मांगा है वही अच्छा है, कोई और खराब है, मैथ्स में खराब है, इंग्लिश में खराब है, लेकिन जो ये मांगा है जीटी में अच्छे आ गए, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं, राइट? तो जैसे मैं बात करूँ, अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स की मैं बात करूँ, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स की बात करूँ, तो किसी बच्चे ने जीटी दिया हुआ है, केवल और केवल जीटी के स्कोर के ऊपर यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, राइट? केवल और केवल जीटी, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है किसी बच्चे का एक पेपर खराब है, एक पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन इवेंचुअली जो अच्छा पेपर हुआ है अगर डायरेक्टली उसके बेसिस पर एडमिशन हो रहा है, सो आई विल से कि यहां पे आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे किसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो केवल इकोनॉमिक्स का आपका स्कोर लगेगा, और कुछ चाहिए ही नहीं आपको, समझ रहे हैं? अगर आप लोग को इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो केवल देखो जनरल टेस्ट और इंग्लिश, केवल 2 सब्जेक्ट मांगे, ये मुझे लगता है बहुत बच्चों को पता नहीं है बात। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो जो कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है उसमें केवल और केवल एक एक, जैसे डीयू में तो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट लग रहे हैं, लेकिन यहां पे केवल एक एक सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट के ऊपर भी एडमिशन यहां पे पॉसिबल है, राइट? जैसे मैं हिंदी में किसी को करना है तो जीटी और हिंदी लग रहा है, हिस्ट्री में करना है तो केवल हिस्ट्री का नंबर चाहिए, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन करना है, केवल जनरल टेस्ट। देख रहे हो आप लोग कितना ज्यादा, मतलब इट इज समथिंग, एक ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों को पता ही नहीं था कि यार ये भी हो सकता है, राइट? कि किसी ने जैसे उसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, उसको केवल हिस्ट्री के नंबर लगेंगे, उसको चाहिए ही नहीं इंग्लिश के, नहीं चाहिए ज्योग्राफी के, चाहिए ही नहीं, तो जो चाहिए वो एक सब्जेक्ट चाहिए। जैसे अब जर्नलिज्म करना है, केवल जनरल टेस्ट चाहिए, अब जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस आ गई। पॉलिटिकल साइंस में अगर ऑनर्स करना है तो केवल पॉलिटिकल साइंस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मैं ये बोलूंगी कि बच्चों के पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा निकल के आएगा अगर किसी और के हो। अभी तो पता ही क्या है, सीयूईटी जब आया है, सीयूईटी की वजह से बच्चों को पता चल रहा है कि यार ऑप्शंस क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी सारी हैं इंडिया में, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग को अभी तक पता ही नहीं था ये सब चीजें भी, ये सब यूनिवर्सिटीज भी हैं, राइट? सो लेकिन सीयूटी जब से आया तो एक कॉमन एंट्रेंस हो गया कि आप लोगों ने एक पेपर दे दिया है, आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल बच्चों हो जाते हैं, राइट? आप सभी सेशन को जल्दी से एक बार लाइक जरूर करेंगे, राइट? अब एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स करना है तो बायोलॉजी चाहिए, केवल बायोटेक चाहिए, फिर भी बायो चाहिए, बॉटनी चाहिए, बायो। तो अगर आपका बायो का पेपर बहुत अच्छा गया है तो बायो से आप डायरेक्टली 3 कोर्स में केवल और केवल बायो के नंबरों के साथ आप लोग एडमिशन यहां पर पा सकते हैं, राइट? कितनी अच्छी बात है ये।
सिमिलरली केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केवल केमिस्ट्री चाहिए. अब देखो बच्चों के केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए, फिजिक्स में नहीं आए बाय चांस, मैथ्स में नहीं आए तो भाई एडमिशन डायरेक्टली हो रहा है. कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है केवल कंप्यूटर साइंस चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स करना है केवल फिजिक्स चाहिए. मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए केवल मैथ्स. ये इसकी खास बात है इस यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पे आपको केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन्स बच्चों मिल रहे हैं. राइट, यस, बिलासपुर से ये आपकी यूनिवर्सिटी है. इसके बाद फिजिक्स ऑनर्स मैंने बता दिया, जूलॉजी के लिए केवल बायो चाहिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए देखो जो सब्जेक्ट वाले उसमें तो सब्जेक्ट मांग रहे हैं, लेकिन जो ऐसे कोर्सेज जैसे मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, जनरल टेस्ट, उसमें केवल जनरल टेस्ट के नंबरों से एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं. और फॉरेंसिक साइंस एक बहुत अच्छा कोर्स है, आई विल बी सेइंग अगर किसी के पास ऑप्शन है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है तो उसको बिल्कुल फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहिए. आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पर यहाँ पे पा सकते हैं. राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ BCA, जैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया था BCA वहाँ पे भी था, बट वहाँ पे और सब्जेक्ट भी मांगे थे, यहाँ पे केवल कंप्यूटर साइंस के ऊपर यहाँ पे आपका BCA में एडमिशन हो जाएगा. बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट तक का यहाँ पे कोर्स है और उसमें भी केवल जनरल टेस्ट के ऊपर आपका एडमिशन हो रहा होगा. BCOM करना है तो केवल अकाउंटेंसी के ऊपर एडमिशन हो रहा है. और अगर LLB करनी है, देखो यहाँ से LLB का भी ऑप्शन है, किसी को लॉ में जाना है क्योंकि लॉ हर जगह हर यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, लॉ में अगर आपको जाना है केवल और केवल लीगल स्टडीज के ऊपर आप लोग यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं. राइट, सो ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास कि इवेंचुअली, और याद रखना है लास्ट डेट 30th तक की है. जो बच्चे छत्तीसगढ़ साइड या मध्य प्रदेश साइड रहते हैं मैं उनको तो बोलूँगी डेफिनेटली रजिस्टर कर लें. जो बच्चे बाहर और ऑल ओवर इंडिया दूर दूर रहते हैं तो उनके पास ऑप्शन है, वो लोग अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं. एक बैकअप मैं ये बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप आपका रेडी होगा, वरना तो आप लोग ट्राई बिल्कुल DU JNU के लिए कर ही रहे हैं, जो कि ऑप्शन हमारा हमेशा फर्स्ट रहने ही वाला है. लेकिन यस, बैकअप्स में हम इसको ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन है वो केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है. सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू गेट एडमिशन ओवर हियर, एक सीट बन जाएगी. और साथ में यही बोलूंगी आपका अगर बाय चांस बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो कम से कम आपका एक साल वेस्ट नहीं होगा, आपकी डिग्री हो जाएगी, साथ में आप लोग मास्टर्स की तैयारी कर सकते हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या हो सके तो अगले साल CUT दोबारा भी तैयारी कर सकते हो. राइट, लेकिन हाँ ये साल वेस्ट नहीं होगा, कम से कम ये रहेगा यार मेरे पास दिमाग में सेफ्टी रहेगी कि मेरे साल में कोई डिग्री मेरे को मिल रही है, अगर बाय चांस मेरा एग्जाम नहीं निकलता तो मेरे पास डिग्री तो मेरी रहेगी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये रहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए. ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी जो आपकी प्रेसिडेंट है, हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो यहाँ पे विजिटर है, मतलब शी इज बेसिकली आप समझेंगे कि शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम एरिया. तो यहाँ पे शी हैज बीन लाइक मॉनिटरिंग, या मैं बोलूंगी एक होता है ना कि बोलते हैं गाइडेंस में, या बोलते हैं कि एक छत्र छाया टाइप्स होता है, तो शी इज ओवर देयर, इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है. प्रोफेसर अशोक मोदक इनके चांसलर हैं और प्रोफेसर अलोक कुमार चक्रवाल यहाँ पे आपके वाइस चांसलर. राइट, सो द पीपल एंड द फैकल्टीज आर गुड, यू पीपल हैव अ चांस. आई विल से कि पीपल स्टेइंग नियर दिस एरिया शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बट ये भी मैं बोलूंगी कि आपकी लास्ट डेट केवल और केवल 2 दिन बाकी हैं, तो आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप लोग प्लीज करिए जाके. एंड बात करें DU की तो उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, प्रेफरेंस शीट बहुत जल्दी आज ही आपके सामने होगी, तो एक्साइटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, केवल एक नहीं सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन और न्यूज और अपडेट्स और साथ में तैयारी भी हो ही रही है. राइट, सो ऑल द बेस्ट बच्चों. कोई और अगर आप चाहते हैं कोई और यूनिवर्सिटी अलग से कवर करी जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा. एंड बाकी वी आर स्टेइंग अपडेटेड, यू शुड ऑल्सो बी अपडेटेड एंड अवेयर अबाउट योर एडमिशंस. ऑल द बेस्ट बच्चों. बच्चों प्रेफरेंस लिस्ट आने वाली है.